हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए कर रहा हूँ जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 32 क्वेश्चन हैं, और ये इस वीडियो का पार्ट 4 है। इसके पहले जो इस पे 3 वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप उसे देखना चाहें तो उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप उसे देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है आने वाले एग्जाम्स रेलवे, RPF ग्रुप डी, SSC और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसे 1 से 2 वीडियो अपलोड करता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, और इसके अलावा दोस्तों, अब मैं एक अनएकेडमी पर भी एजुकेटर हूँ, तो अनएकेडमी का जो लर्निंग ऐप है आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर, उसमें मेरा चैनल स्टडी और टारगेट सर्च कर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? तो सिलोन, ठीक, सिलोन के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रोम यानी इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो किस नदी के किनारे बसा है? तो टाइबर, ठीक, टाइबर है, नदी के किनारे बसा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट है? तो भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? तो बेटन कप, ठीक, बेटन कप, जो कि भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत बड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, फ्लाइंग सिख के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह, ठीक, मिल्खा सिंह को जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर, ठीक, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो किस रूप में जो है मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस, ठीक, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ निम्नलिखित में से है? तो कौन से ग्रंथ जो है जयदेव के द्वारा लिखा गया था? तो गीत गोविंद, ठीक, गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखा गया था, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो अरविंद घोष, ठीक, अरविंद घोष की प्रसिद्ध रचना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो कौन से क्षेत्र में जो है प्रदान किया जाता है? तो चिकित्सा, ठीक, चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो किसकी स्मृति में जो है दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल, ठीक, अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतरा निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है? तो किस देश की न्यूज एजेंसी है? तो इंडोनेशिया, ठीक, इंडोनेशिया की न्यूज एजेंसी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश का प्राचीन नाम पारसिया है? बहुत बड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, किस देश का प्राचीन नाम पारसिया है? तो ईरान, ठीक, ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो पारसिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे? तो प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली, ठीक, त्रिगवेली थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस भारतीय ने न्यायाधीश पद को सुशोभित किया था? तो किसने किया था? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक, डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रावदा निम्नलिखित में से कहाँ का मुख्य समाचार पत्र है? तो कहाँ का मुख्य समाचार पत्र है? तो मॉस्को यानी रूस। ठीक, मॉस्को यानी रूस का समाचार पत्र है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस। ठीक, पेरिस में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? तो मनीला। ठीक, मनीला में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 में हुआ था, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, शांति का प्रतीक है तो शांति का प्रतीक कौन सा है? तो सफ़ेद कबूतर। ठीक, सफ़ेद कबूतर क्या है? तो शांति का प्रतीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, हजार झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, तो हजार झीलों की भूमि जो है किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड। ठीक, फिनलैंड को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश निम्नलिखित में से कौन है? तो किसने जो है चंद्रमा पर जो है पहला मानव भेजा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भेजा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, ओपेक की स्थापना हुई थी तो किस वर्ष हुई थी? तो 1960 में। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वियना यानी ऑस्ट्रिया में है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है, तो प्रथम व्यक्ति कौन सा है? तो फूद्रोजी है। कौन सा है? फूद्रोजी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, जलोती किस देश की मुद्रा है? बहुत बड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जलोती किस देश की मुद्रा है? तो पोलैंड। ठीक, पोलैंड की मुद्रा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, देश में नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम है, तो असली नाम क्या है? तो भूषण पंडित। ठीक, भूषण पंडित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति हैं, तो प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सत्यजीत राय। ठीक, सत्यजीत राय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किस वर्ष मिला था? तो 1998 में। ठीक, 1998 में मिला था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है,